बहुत जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे सीनियर एडवोकेट ऐसे होते हैं जो लॉ स्टूडेंट को काम नहीं सिखाना चाहते, ठीक है, जो सिर्फ उनसे उन्हें पीछे चलाना चाहते हैं, वो सिर्फ उन्हें फाइल पकड़ कर घुमाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन गाइज मैं सिर्फ सीनियर एडवोकेट की ही गलती नहीं बताऊंगा, मैं देखो यार सीधी बात जानो कि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, ठीक है। आप एक के चक्कर में अगर सबको कह रहे हो तो वो बात गलत है। कुछ मैं यहाँ सिर्फ कुछ ऐसे एडवोकेट्स की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने खुद सा काम सीखा, मुझे ऐसे इस तरीके से काम सिखाया गया मेरे सीनियर की तरफ से कि भाई ये करो ये करो ये करो, ठीक है। तो दोस्तों लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सबसे बड़ी गलती देखो हमारी इस तरफ से होती है कि वो आप सामने वाला बंदा हमें काम नहीं सिखाता। सबसे बड़ी बात देखो आपको जब आप काम सीख रहे हो, मैं चलो आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, मैं अपना ही एक किस्सा आपको बताता हूँ। मैं एक मेरे फ्रेंड है एडवोकेट ही है, वो उनके यहाँ बैठे हुए थे हम, ठीक। अब उनके ना उन्होंने जो उनके यहाँ जूनियर थे उनके जो काम सीखते थे उनके यहाँ पे, अब वो बाहर से आए तो अब हम दोनों उनके कैबिन में बैठे हुए थे, तो उन्होंने उन्हें कुछ डेट वेट के बारे में बताया, तो जो हमारे फ्रेंड थे उन्होंने कुछ उन्हें कुछ काम बता दिया था, ठीक है, कहीं उन्हें भेजने का काम बता दिया था। तो बॉस जब उन्हें वो काम बताया, वो उनकी बाइक लेके चले गए, बाइक लेकर चले गए, ठीक है, उन्होंने अपनी बाइक भी दे दी उन्हें। तो उन्होंने कहा कि भाई ये काम निपटा, कुछ फाइल वाइल का केस था, ठीक है, जीएसटी डिपार्टमेंट का कुछ काम था, तो उन्होंने भेज दिया। वो बंदा सुबह 12 एक बजे का टाइम था, 12 एक बजे के आसपास वो गया था, ठीक है, वो लंच के बाद आफ्टर लंच जब उन्हें लंच वंच कर लिया था, तो वो 3-4 बजे करीब आया। करना क्या था बस वहां पे सिर्फ एक साइन लेने थे उनके। तो बस अगर आपके अंदर ये चीज है तो आप कैसे काम सीख लोगे, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार सीनियर एडवोकेट जो होता है हमें काम नहीं सिखाना। देखो यार गुरु जो होता है ना वो सबको काम देना चाहता है, उसके लिए सारे शिष्य समान होते हैं, ठीक है। अभी मैं अपनी लॉ फर्म का ही बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ कुछ नए लड़के ने एडमिशन लिया जो सीख रहे थे हमारे यहाँ पे, अब वो मेरे साथ जो लड़के मतलब कि ये देख लो कि 24 आवर्स जितने भी हमारा काम रहता है, हम उतने टाइम हम ऑफिस में रहते हैं, तो वो मेरे साथ बिल्कुल बैठे रहते हैं, ठीक है। मैं अगर कैबिन में बैठूंगा कैबिन में बैठ जाएंगे, अगर मैं एम्प्लॉयज के पास जाके बैठ रहा हूँ तो एम्प्लॉयज के पास चले जाएंगे, अगर मैं दूसरे लीगल डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ लीगल डिपार्टमेंट में बैठ जाएंगे मेरे साथ। तो मतलब ये देख लो कि जैसे वो होता है ना कि एक छत्ता है मधुमक्खी का, तो मधुमक्खी के छत्ते को एकदम पकड़ के रखते हैं, ठीक है, तो छत्ते पर जैसे मधुमक्खी बैठ रहती है ना उस तरीके से पकड़ के बैठ रहते हैं। गाइस एक बात मेरी गोल्डन बात है, ये गोल्डन टिप्स है आप सभी के लिए, ये बात जान लो कि कोई अधिवक्ता किसी को हाथ पकड़ के नहीं सिखाता। या तो वो आपके फादर हो जो लॉ की फील्ड में हो, ठीक है, या आपके बड़े भाई हो तो वो आपको काम सिखा देंगे हाथ पकड़ के। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हर बंदा हर कोई आपको हाथ पकड़ के काम सिखाएगा तो ऐसा नहीं होता, आपको झुकना पड़ता है सीखने के लिए, ठीक है। मैं उस बंदे की बात बता रहा था आपको, वो जो लड़का था वो सुबह 12 बजे के आसपास का गया हुआ, 3-4 बजे करीब आया, अगली बार उसने भेजा ही नहीं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ देखो भेजा हो या ना भेजा हो वो बात उसकी है, ठीक है, अब वो देख रहा होगा तो सोच रहा होगा बात को, ठीक भाई उसने भेजा हो या ना भेजा हो वो उसकी बात है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मेरी बात कहने का मतलब ये है कि अगर आपको काम सीखना होता है ना यार, बहुत ज़्यादा चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और लॉ की फील्ड तो एक ऐसी है जिसमें जितनी मेहनत करोगे उतनी सक्सेस मिलती है आपको, ठीक है। हम सीधा जाके सीधा बोल देते हैं कि यार हमारे जो एडवोकेट हैं, जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, वो हमें काम नहीं सिखाते, ठीक है। अभी जैसे मैं अपना किस्सा बता रहा था कि भाई वो लड़के मुझे घेर के रखते हैं, तो मैं उन्हें काम क्यों नहीं सिखाऊंगा। जो बंदा मेरे पास बिल्कुल निस्वार्थ करके बिल्कुल सेवा कर रहा है कि सर ये कर लो वो कर लो ये वाले ये कैसे होगा, ये जो पूछ रहा है, ठीक है, तो उस बंदे को काम क्यों नहीं सिखाया जाएगा, ठीक। तो इसी बात में जो 2-4 बच्चे और थे हमारे साथ में जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस करते थे, वो यूं कहने लगे कि प्रकुंज सर तो इन्हें ज्यादा ध्यान देते हैं और हमें सिखा नहीं रहे। गाइस देखो सीधी सी बात ये जानो, अगर सामने वाले बंदे को, ठीक है, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, अगर मुझे ये नहीं लग रहा कि यार ये सीखने आया है या मजे लेने आया, जब तक मुझे लगेगा नहीं कि ये सीखने आया, ठीक है, तब तक कोई गुरु उसे नहीं सिखाता, ठीक है, तब तक कोई किसी को नहीं सिखाने का। और ये चीज़ रहती है ना कि भाई अधिवक्ता नहीं सिखाते, नहीं सिखाते, यार देखो कुछ होते हैं
ठीक है, वो कुछ होते हैं जिनके चक्कर में आप ऐसे हर किसी को नहीं कह सकते। ठीक है, अधिवक्ता, देखो मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, अगर आपको सही जगह काम सीखना है, सही तरीके से काम सीखना है, तो आपको ना एक अपने लेवल के एडवोकेट को चूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं अपने लेवल की किस तरीके से। जब आप एक अपने लिए एडवोकेट चूज कर रहे हो, जब आप फ्रेशर होते हो, तो ना आप क्या करते हो भाई, आपने अपने एरिया में देखा कि यार सबसे बड़ा एडवोकेट कौन है, भाई फलाना फलाना वो सबसे बड़ा एडवोकेट है, उसके पास बहुत काम है, ठीक है, उसके बाद चलते हैं। ठीक है भाई, अपना बोरिया बिस्तर उठाया, उस वकील के पास गए कि सर मुझे प्रैक्टिस करनी है आपके पास, क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ प्रैक्टिस करने। भाई उन्हें क्या दिक्कत है, उनके पास 30 लड़के 40 लड़के काम सीख रहे हैं, एक लड़का और सीख लेगा तो क्या चला जाएगा। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि भाई हाँ आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने ऑफिस तो देख लिया बहुत बड़ा, उनका बड़ी बड़ी गाड़ी तो देख ली उनकी, ठीक है, उनके केस लड़ने का तरीका वो देख लिया। ठीक है, तो आप उन चीज से इंस्पायर हो गए, ठीक है, आप उन चीज से इम्प्रेशन हो गए, आप उनके पास चले गए। ठीक है, अब वो 30 बंदे जो हैं, ठीक है, अब कुछ उसमें से ऐसे होंगे जो 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ, कुछ ऐसे होंगे जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ, कुछ ऐसे होंगे जो 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ। ठीक है, तो सही तरीके से वो किसी को टाइम नहीं दे पा रहे होंगे। ठीक है, जो उनके लॉ फर्म के जो उनके सीनियर होते हैं ना एडवोकेट, वो सही तरीके से टाइम नहीं दे पाते किसी को, उसके लिए आपको बिल्कुल समर्पण करना पड़ता है उनके लिए। ठीक है, और जब ऐसी जगह आप जा रहे हो काम सीखने, ठीक है, आप चकाचौंध देखकर काम सीखने जा रहे हो, तो ऐसी जगह आप काम थोड़ी सीख पाओगे भाई। काला कोट पहन के, पैंट शर्ट पहन के, टाई लगा के भाई हीरो बन के घर से निकलोगे और हीरो बन के घर आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ी कड़वी बोल रहा हूँ बात, लेकिन सच्ची बात बोल रहा हूँ, जो बात सच्ची है ना, ये बात मैं दिल से बात बता रहा हूँ दोस्तों, जो बहुत ज्यादा जगह देखने को मिलते हैं यार। मैं बता रहा हूँ, जो लेक्चर में अभी उस लड़के ने जब मुझसे बात कुछ कही नहीं है, अब मेरा डायरेक्ट यही जवाब था कि भाई तुम्हारे पास कितना समर्पण है अपने गुरु के लिए। बॉस ऐसा ऐसा सीन होता है जब काम सीखने का बात आती है ना, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो काम सीखने वाले होते हैं, वो 12-12 1-1 बजे तक वहां बैठते हैं। मैं अपने ही बताता हूँ, जब इनकम टैक्स की लास्ट डेट चलती थी ना दोस्तों, मैं रात को 2-2, 3-3 बजे अपने घर आता था। तो जब देखो बिल्कुल समर्पण करना पड़ता है यार इस फील्ड में ना, आप दूसरे को नहीं कह सकते कि कोई अधिवक्ता हमें काम नहीं सिखा रहा, कोई एडवोकेट हमें काम नहीं सिखा रहा। जब तक हमारे अंदर से नहीं पैदा होगा ना वो काम सीखने का, तब तक हम काम नहीं सीख सकते। और ये तो बेकार की बात है कि भाई कोई भी, सब गुरु चाहते हैं, ठीक है ना, ये कहने की बात होती है कि भाई कोई सीनियर एडवोकेट नहीं चाहता कि भाई उसके सामने ही उसका जूनियर खड़ा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। जब जूनियर सक्सेसफुल एडवोकेट बनता है ना, तो उसके माता पिता के बाद ना जो उसका गुरु होता है, जिसने उसे वकालत सिखाई है, सबसे ज्यादा खुश वो ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात कहना गलत होता है कि भाई हमारे सीनियर काम नहीं सिखाते। देखो कुछ सीनियर होते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार, आपको अपनी बुद्धि के अनुसार एडवोकेट चूज करना है। और मैं एक आपको बढ़िया सलाह दूं कि दोस्तों, जब भी आप किसी एडवोकेट को चूज करते हो ना, तो उसका शान और शौकत देखकर कभी उसे चूज मत करो उससे काम सीखने के लिए, क्योंकि जिसके पास शान और शौकत है ना, उसके पास समय ही नहीं होता यार, टाइम ही नहीं है उस बंदे के पास आपको काम सिखाने के लिए। ठीक है, तो आप अगर फ्रेशर हो, तो आपको ना अपने जैसे जो एडवोकेट जिनके पास ना ज्यादा काम ज्यादा है ना ज्यादा कम है, जिनके पास जूनियर कम है, ठीक है, जिनके पास जूनियर कम है ना, उनके पास जाया जाए। ये नहीं कि भैया यार ये ना, अब देखो मैं बताता हूँ क्या होता है सीन। ज्यादातर क्या होता है, जब लोकल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब हम उतरते हैं, तो जो हमारे जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, चाहे वो एजेड एडवोकेट है, वो सीनियर एडवोकेट है, अगर उनके पास जूनियर लड़के नहीं है, उनका थोड़ा ऑफिस थोड़ा सही सा नहीं है, उन पर बड़ी गाड़ी नहीं है, ठीक है, प्लस वो हाई क्लास तरीके से नहीं रह रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यार ये तो इनके पास काम ही नहीं है। ठीक है, इनके पास काम ही नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, बाल कोर्ट में ऐसे नहीं पका लिए उन्होंने, सफेद बाल कर लिए, ऐसा नहीं है कि भाई रोज ऐसे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो जो सीनियर एडवोकेट होते हैं ना, उन्हें नॉलेज बहुत होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर शो ऑफ नहीं होता,
ठीक है, जो सिंपल तरीके से रहता है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ठीक, तो दोस्तों आज बहुत ज्यादा बात हो गई इस टॉपिक के ऊपर लेके, लेकिन मैं ये लास्ट में जाना चाहते एक ही बात कहूंगा कि भाई अगर आपको काम सीखना है ना, तो आपको गाइस समर्पण करना पड़ेगा, बिल्कुल समर्पण करना पड़ेगा, तभी आप काम सीख सकते हो, नहीं तो बेकार में कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, बस समय बर्बाद करने वाली बात हो जाएगी, और बस शान शौकत वाले जो एडवोकेट हैं उनके पास जाओ, मैं यूं नहीं कह रहा कि उनके पास मत जाओ, लेकिन उनके पास तब जाओ जब आपके पास कुछ स्किल पैदा हो जाए। तो बस यही बात कहकर मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आए। थैंक यू वेरी मच।